Hello guys, welcome. This is your Black Cat. I'm here with PUBG Mobile Rivals Cup 2.0 Group 31 के qualifying matches के साथ and 31 number group. Oh my God, अभी तो शुरू हुआ था. Group 1 था, 2 था और अभी 31 पे हम पहुंच चुके हैं already. And हमारे बीच में जो teams हैं वो हम लोग देखेंगे, पर मेरा game ही load नहीं हुआ है. क्या ही बोले. स्पेक्टेट करने वाले को ही किक मार रहे हो पबजी. व्हाट आर यू डूइंग. अरे भाई, क्या मैं घुसी नहीं क्या. डोंट से कि गेम लोड नहीं हुआ है. नो 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 नो. Oh God, thank God. I thought के मुझे किक मार दिया ग्रुप से, बट नहीं, हम आ चुके हैं. हमारा प्लेन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग सारे के सारे टीम्स. और हमारा जो जोन है, जो प्लेन पाद गया है, वो शूटिंग रेंज से मिल्टा तक गया है. एक मिनट, आवाज बराबर आ रही है ना. या चलो तो हम देख लेते हैं कौन से टीम्स हैं हमारे साथ. 14 टीम्स हैं यहाँ पे. स्वैग, F4, DG, टीम लेवल से लाइट कैंप, उसके बाद रोस्ट, स्ले, हेमंत का टीम, आई थिंक दा समथिंग टीम का नाम है, एंड NSP, रॉग, F, 4UC, FN, 4XM, NIIT एंड ब्लैक का टीम यहाँ पे आ चुके हैं. आई थिंक मैंने मेरे पास यू नो लिस्ट आया नहीं है. लेट्स सी डिस्क्रिप्शन पे है कि नहीं.
तो ये टीम्स हमारे साथ है, तो हम लोग देख पा रहे हैं प्लेन पाथ हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, एंड जोन जो है वो रोजॉक को बीच में रखते हुए बना है। पोचिंग की में दो टीम्स यहाँ पे आ चुका है, टीम नंबर 19 एंड टीम नंबर F4। यहाँ पे पंच करते हुए हम लोग देखे विश्वराज को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया है। पंच करते हुए नॉकडाउन क्या है, मतलब थॉर के हथौड़े से भी ज्यादा पावरफुल मुक्का। और यहाँ पे टीम नंबर 10 के दो प्लेयर्स को हम लोग फिनिश होते हुए ऑलमोस्ट देखेंगे। डिवाइनर कैसे जाता है देखते हैं, फिनिश होता है कि नहीं। रियो एंड हेमंत यहाँ पे सरवाइव कराई थी कि दे आर यू नो वो लोग फॉल बैक कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे चार प्लेयर आ चुके हैं, उनके दो प्लेयर खो चुके हैं, बाकी के दो प्लेयर आई डोंट थिंक ये लोग मरना पसंद करेंगे। बाकी हम लोग देख पा रहे हैं पोचिंग की में यहाँ पे फाइट ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। टीम नंबर 19 ने यहाँ पे टीम नंबर 4 के ऊपर काफी भारी भरकम यहाँ पे एक प्लेयर को फिनिश अप कर दिया है। हम लोग देख पा रहे हैं नाइटो फार्प को यहाँ पे नॉक फिनिश कर दिया है, बाकी तीनों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं। लेट्स सी पोचिंग की वाला प्लेयर्स कितना दूर जा पाते हैं। हेलो जय श्री राय, हेलो, आज मैं मैच में 11 स्लॉट पे हूँ, आज मेरा मैच है 11 स्लॉट पे हूँ। ओ रोबी, यू आर इन हियर, टीम नंबर 11, बढ़िया। तो टीम नंबर 8 एंड 11 को हम लोग देख पा रहे हैं फेरी पैर के साइड, पानी के साइड यहाँ पे होल्ड करके हैं। एंड टीम नंबर 9 नोवो पर यहाँ पे उतरे हैं। एफ एन की टीम को हम लोग देख पाए। टीम नंबर 15 जो फार्म पे यहाँ पे लूट रहे, जोन के अंदर जाना है। हमारा जोन बहुत ही ज्यादा नॉर्थन साइड में बना है, एंड हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पे जितने जल्दी यू नो 7 के साइड अगर तुम शिफ्ट कर लो तो बहुत ही ज्यादा इजी होगा हर एक प्लेयर के लिए। क्योंकि जोन जब भी ऐसे होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% जोन पानी पे है, तो ऊपर के तरफ ही शिफ्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। बाकी फिलहाल देखते हैं हमारा पोचिंग की वाला फाइट कैसे जाता है। हेलो एर्जा, हेलो। तो गाइस जो लोग भी आए हो स्ट्रीम को लाइक कर देना, एंड नॉक एंड फिनिश वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारा इंस्टा आईडी भी चेक कर लेना। बहुत ही बड़ी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4v3 का जो सिचुएशन वाली, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक नॉक हम लोग देख पा रहे हैं। एनटीटी के प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया है, और हम लोग देखेंगे कैसे। अगर आई डोंट थिंक ये लोग पुश कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा ओपन है। अगर पुश किया भी तो यहाँ पे हमारा बिगिल बिगिल वाइटी जो है वो यहाँ पे नॉक डाउन कर सकते हैं प्लेयर्स को। और बहुत ही यू नो बिग हाउसेस में हम लोग देखें यहाँ पे नॉक डाउन होते हैं तो यहाँ पे आराम से रिवाइवल मिल जाता है। बाकी राइट साइड से यहाँ पे फ्लैंक करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है गेम, और यहाँ पे जो मैं बोला था कि ओपन से क्रॉस करेगा तो नॉक डाउन होने का चांसेस बहुत है। नॉकडाउन हो चुका है, बहुत ही सही। यहाँ पे हम लोग गेंद को और एक नॉक लेते हुए देखे हैं, दोनों टीम से एक एक प्लेयर नॉकडाउन है। देखते हैं अगर यहाँ पे कलाई जो है, कलाई अगर यहाँ पे नो अगर जंप कर लेता तो आराम से दो किल्स यहाँ पे मिल जाती, पर ये लोग उतना ज्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहा है, बहुत ही काम होते हुए यहाँ पे खेलने की कोशिश। बाकी दोनों टीम्स के प्लेयर को यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है, और हम लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा गेंद जो है काफी बढ़िया बढ़िया पोस्ट कर दिया है, बहुत ही सही यहाँ पे डैमेज दे दिया है। बागिल वाइटी का भी यहाँ पे अच्छा खासा यू नो डैमेज होके अलेसी यहाँ पे जंप कर दिया है। आगे सामने की तरफ तीन प्लेयर यहाँ पे जा पाता है, इनके यहाँ पे टॉमी लेते हुए, टॉमी क्लोज रेंज में बहुत ही सही है। हम लोग हमेशा देखते हैं, आई थिंक इन लोगों को पुश कर लेनी चाहिए क्योंकि जो भी यहाँ पे नॉकडाउन हुआ था वो रिवाइवल उनको मिल चुका है। ऊपर पे और एक नॉकडाउन
डाउन कर दिया है हमारे सामने। फ्रींस भी यहाँ पे नॉक है और सामने यहाँ पे अंदर बहुत ही सही दो दोनों अपन गेन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नॉक्स लेते हुए हम लोग देखते हैं फिनिश करते हैं कि नहीं। बाकी लास्ट टेन यहाँ पे मारना है, बहुत ही कम एक चीजें हैं और यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं चुकता गोली। और यहाँ पे हम लोग देखे गेन ने बहुत ही बढ़िया 1v3 यहाँ पे कर दिया है, बहुत सही। तीनों प्लेयर ने यहाँ पे प्रिंस को तो फिनिश कर दिया पर हम लोग मीत वाइटी को यहाँ पे बचते हुए देख पा रहे हैं। हम लोग F4 नाइटो नो गेन को यहाँ पे बहुत सही खेलते हुए देखा, बहुत बढ़िया फ्लैंक था, बहुत ओपी खेलते हुए यहाँ पे अपनी टीम को बचा लिया है। जाते हैं टीम नंबर 7 यहाँ पे टीम नंबर 3 के आसपास से रोटेशन कर रहा है। बाकी हम लोग यहाँ पे देखे टीम नंबर 7 जो है यहाँ पे एक नॉकडाउन लेके एक किल्स कर लिया है। 3-man squad ये लोग खेल रहे हैं एंड 3 players आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाय संदीप, हेलो NSP आयुष को दिखाओ मारा या नहीं। NSP कौन से टीम पे है? NSP आयुष फिलहाल तो यहाँ पे टीम नंबर 11 आराम से रोटेशन कर रहा है। इन प्लेयर ने एक प्लेयर अपना ऑलरेडी खो दिया है तो लेट्स सी। तो पहला जोन हमारा ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है एंड आई थिंक के यहाँ जो भी टीम जोन के बाहर से थोड़ा बहुत जा रहे हैं उन लोगों को अपना जोन का डैमेज देते हुए आगे तरफ जाना पड़ेगा। हमें मैक्स के टीम को हम लोग देख पा रहे, क्या सा कौन सा नाम है या मैक्स, यहाँ पे मैक्स को देख पा रहे हैं हम जोन क्या एकदम ईजी बैठे। उनके सामने टीम नंबर 7 भी रोटेशन यहाँ पे कर रहा है और यहाँ सारे के सारे प्लेयर्स उनके अंदर घुस रहे हैं। हम देखेंगे सेकेंड जोन आई थिंक यू नो सेवर्नी ऑलमोस्ट रहेगा और यहाँ पे टीम नंबर 11 जो सेवर्नी के तरफ यहाँ पे जा रहा है बहुत ही इनका फायदा तो ये लोग उठाने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है वहाँ पे जोन जो है ऊपर से ही शिफ्ट करेगा तो सेवर्नी के आसपास जोन बनने का चांस है। या तो रोजॉक तक जाएगा नीचे के साइड पोचिंग की स्कूल पे, आई डोंट थिंक यू नो थर्ड जोन या फोर्थ जोन यहाँ पे बन सकता है। चलो तो अभी भी 13 टीम्स है, पहला जोन ही है और इसके बाद देखेंगे कि चलो तो यहाँ पे हमारा पहला जोन ऑलमोस्ट क्लोज इन हो चुका है और हम देखेंगे कैसे जाता है ये लोग। अभी तक यहाँ पे टीम नंबर 9 जो है वो लोग यहाँ से नहीं जा रहा है जोन से, हम लोग दूर से हुए जाते हुए देख पा रहे हैं और यहाँ पे और एक फाइट यहाँ पे चालू है। आई थिंक
ब्लैक के टीम पे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं टीम नंबर 20 से यहाँ पे दो दो तीन प्लेयर नॉकडाउन हो गया था। जो टीम यहाँ पे पोचिंग की वाला फाइट जीते थे F4 का टीम, वो लोग यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। और तीन नॉकडाउन के बाद फाइनली आई थिंक यहाँ पर्ल ने यहाँ पे बचा लिया है सारे के सारे प्लेयर्स को। बहुत ही बढ़िया, पर नहीं यहाँ पे 1v2 करा है। और हमारा जोन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जोन यहाँ पे शूटिंग रेंज के साइड हो चुका है, जैसे कि मैंने बोला था कि ऊपर के साइड ही जोन बनने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो अभी भी जोन के बाद से हम लोग 4 UC रोस्ट एंड यहाँ पे टीम नंबर 5 एंड 3 एंड 7 को जोन के अंदर जाते हुए देखेंगे। देख पा रहे हैं बहुत ही सही, यहाँ पे बगी जो था उन लोगों का वो पूरा का पूरा टूट तोड़ दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है टीम नंबर 7 रेडी है यहाँ पे फाइट लेने के लिए टीम नंबर 3 को। यहाँ पे 3v3 के सिचुएशन में लेट्स सी कौन यहाँ पे जाता है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे हम लोग कैम्प को देख पा रहे हैं आगे की तरफ, लिटिल चैम यहाँ पे आगे की तरफ जाने की कोशिश। आई थिंक इनके चैम इनके टीम का नाम चैम है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैक्स को नॉकडाउन कर दिया है हमारे फिनिश कर दिया है। और यहाँ पे चैम्प के टीम ने बहुत ही बढ़िया और यहाँ पे हेड शॉट्स आई थिंक लिटिल चैम्प के यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मारते हुए, ये एग्जैक्टली ठग हल्क ने वहाँ पे प्रोन कर लिया था। पूरा का पूरा एमो जो है वो पूरा सर पे लगा। और चैम्प के टीम के एक प्लेयर तो बड़े लोग खो दिए है, बट दो प्लेयर यहाँ पे 3 किल के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी 1 मिनट 10 सेकेंड है, 2 सेकेंड जोन भी क्लोज होना शुरू कर लेगा। लेट्स सी कैसे ये लोग आगे तरफ जाते हुए, 4 UC के प्लेयर्स अभी तक जॉर्जो से यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं विद 0 किल्स एंड चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। तो जोन के अंदर ये लोग आराम से चले गए हैं। जॉर्जो आपको जॉर्जो कंटेनर से हम लोग यहाँ पे रोस्ट के टीम को भी रोटेट करते हुए देख पा रहे हैं। हेलो अनिशिवा, वेलकम। हेलो टोनर, हाय साहिल। अब जाके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा जोन जब भी बनता है हम लोगों का, हम प्रोबेबली देखते हैं कि ऐसे जगह पे बनता है ये रोजॉक के पानी यानी जाइलैंड को पकड़ते हुए, तब जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि कोई कोई लोग ऊपर चले जाते हैं एंड ऊपर एंड नीचे के शिफ्ट में जो लोग जोन के बाहर रह जाते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ऐसा जोन प्रोटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट 7 नहीं तो फिलहाल तो जोन के अंदर है, और अभी भी 5% जोन पानी पे है। तो लेट्स सी, बहुत सारे टीम्स यहाँ पे ऑलमोस्ट जोन के अंदर आ चुके हैं। हम लोग ये चैम के टीम को भी देख पा रहे हैं धीरे धीरे जोन के अंदर आते हुए। एंड पोचिंग की के एज पे टीम नंबर 9 यहाँ पे होल्ड करके है। टीम नंबर 20 जो है, जो लोग पोचिंग की में फाइट लेते हुए यहाँ पे रोटेट करते हैं रुइंस के साइड से यहाँ जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। शूटिंग रेंज के साइड में अभी तक कोई भी टीम्स यहाँ पे नहीं है, बट रोटेशन यहाँ पे सारे के सारे टीम्स को करनी पड़ेगी जो भी एज में है, क्योंकि जोन कहीं ना कहीं एक साइड तो शिफ्ट होगा ही होगा। तो हमारा सेकेंड जोन जो है वो क्लोज होना ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, और कुछ ही सेकेंड्स में हम देख पाएंगे कि हमारा थर्ड जोन कहाँ पे बनता है। उसके ऊपर सारे के सारे टीम्स का यहाँ पे किस्मत जो है यहाँ पे पलट पलट सकता है।
यहाँ पे सब रोटेशन करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी, हम लोग देख पा रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहे हैं और सबसे अच्छा जगह होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जोन हमारा शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, लेट्स सी गाइस जोन कहाँ पे बनता है। टीम नंबर 20 के यहाँ पे हम लोग आराम से चिल करते हुए देख पा रहे हैं, होल्ड रीचेस यहाँ पे पकड़ रहा है एंड बाकी के प्लेयर्स को भी हम लोग देखेंगे आगे कैसे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जोन जो है वो क्लोज ऑलमोस्ट हो चुका है, यहाँ पे हमारा थर्ड जोन आने वाला है, लेट्स सी थर्ड जोन कहाँ पे बनता है। और यहाँ पे जोन बन चुका है, जॉर्जो को पोर्शन पे रखते हुए यहाँ पे जॉर्जो ऑलमोस्ट आता है। जो लोग भी जॉर्जो के साइड है कंटेनर के साइड एंड वो लोगों के लिए बहुत ही प्यारा जोन होगा। हम लोग ऑलरेडी 4 UC को देख पा रहे हैं कि शूटिंग रेंज के साइड जाते हुए एंड यहाँ पे टीम नंबर 11 जो है वो लोग भी शूटिंग रेंज क्रॉस करते हुए ये जो शूटिंग रेंज का पहाड़ है यहाँ पे होल्ड कर सकता है। बाकी सारे टीम को अपना रोटेशन करना पड़ेगा। टीम नंबर 27, 15, 9 एंड 10 टीम्स को यहाँ पे अपना रोटेशन देना पड़ेगा। टीम नंबर 13 के यहाँ पे नासा एंड प्रेम जो है इट प्रेम वो लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट जोन के अंदर। एक छोटा सा रीच यहाँ पे ब्रिज के पास पे होल्ड करके है रोजोक वाले साइड से एंड पीछे से आ रहा है यहाँ पे डारियो। अकेले तो हम लोग देखे यहाँ पे हिमंत जो है यहाँ पे दादी के प्लेयर हिमंत यहाँ पे फिनिश हो चुका है। यहाँ पे 14 के यहाँ भानु को ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉक कर दिया था बगी से, पर राइट टाइम पे यहाँ पे हम लोग देखे के बच गया है। बाकी टीम नंबर 15, 5 को एक किल मिल चुका है दादियों के टीम के एक प्लेयर को। टीम नंबर 20 यहाँ पे नॉक डाउन पड़ा है उनके सामने। टीम नंबर 9 जो है वो आ चुका है, टीम नंबर 9 के दो प्लेयर यहाँ पे नॉक है और आकेश को हम लोग देखेंगे देखी प्लेयर को मारना पड़ेगा। 2v1 सिचुएशन और मास को भी यहाँ पे नॉक कर दिया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हम लोग खेलते हुए देख पा रहे हैं। लेट्स सी क्या हो पाता है, सुप्रीम को सिर्फ मारना पड़ेगा एक मौली का और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नेज करने की मार दिया। तो 1v3 यहाँ पे प्रेम और 1v1 का सिचुएशन, टीम नंबर 20 यहाँ पे फिनिश हो सकता है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पीछे से यहाँ पे टीम नंबर 7 लिल चैम के प्लेयर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए टीम नंबर 20 को यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं। और हम लोग देख पा रहे हैं टीम नंबर 9 जो है वो स्मोक करते अपने प्लेयर को बचाने की पूरी कोशिश। टीम नंबर 7 यहाँ पे बहुत ही सही 5 किल ऑलरेडी ले लिया है दोनों प्लेयर है। आराम से अभी जोन के अंदर जाना पड़ेगा, हमारा थर्ड जोन भी क्लोज होना शुरू हो चुका है। लेट्स सी टॉप 10 टीम गाइस, हम लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने टॉप 10 टीम यहाँ पे आ चुके हैं। कहाँ अभी फोर्थ जोन कहाँ पे शिफ्ट होता है वो देखना पड़ेगा। टीम नंबर 5 यहाँ पे बहुत ही टीम नंबर 7 यहाँ पे जॉर्जो के साइड आ चुका है, वहाँ पे ऑलरेडी टीम नंबर 8 यहाँ पे होल्ड करके। तो अभी हम लोग जॉर्जो पे एक फाइट देख सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ वाला फाइट होगा। अब चैम के दोनों प्लेयर है, 2v4 का सिचुएशन, हम लोग यहाँ पे रोस्ट सिट को देख पा रहे, पूरा 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 ओपन यहाँ पे एक किल है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिल चैम को पता नहीं है उनके पीछे बंदे हैं, तो पूरा फिनिश होने का चांस यहाँ पे है।
हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, रोज की टीम चाहते हुए भी कोई भी फाइट नहीं लिया है, और हमारा फोर्थ जोन है वो बन चुका है पूरा का पूरा शूटिंग रेंज के पास, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे आगे जो भी टीम्स हैं वहाँ उन लोगों को, जो लोग जोन के बाहर है उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। दारियो जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अकेले एक शैक में आराम से बैठा है, जो कि जोन के एकदम एज में है, एंड उन लोगों को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। बाकी सारे प्लेयर्स को हम लोग रोटेट करते हुए देख पा रहे हैं। टीम नंबर 7 भी यहाँ पे अपना रोटेशन करते हम लोग देखे, लिल चैम को फाइनली यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है, दोनों के दोनों प्लेयर का किल यहाँ पे ले लिया। वो लोग बहुत ही बढ़िया वेट कर रहे थे कि कब ये लोग गाड़ी लेके निकलेगा, सही टाइम देखते हुए 2 किल यहाँ पे ले लिया है। टीम नंबर 10 पे यहाँ पे चैम का टीम एलिमिनेट हो चुके हैं। बाकी टीम नंबर 17 का जो अकेला प्लेयर है हम लोग लेजर को देख पा रहे हैं, वो एकदम एज टू एज खेल रहा है यहाँ जॉर्जो के कंपाउंड में अपार्टमेंट में यहाँ पे होल्ड करके है। राइट साइड से हम लोग टीम नंबर 9 को रोटेशन करते हुए देख पाए, तो हमारे सामने टॉप 9 टीम्स रोटेशन यहाँ पे करते हुए, जब भी क्लैश होगा अब तो यहाँ फाइट ही फाइट होने लगेगा। टॉप चलो टीम नंबर 13 यहाँ पे आ चुका है, और उनके सामने है टीम नंबर 14। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लैश हो सकता है, यू नो 4v3 का एक 4v4 का सिचुएशन, 4 UC के भी सारे के सारे प्लेयर यहाँ पे है, और हम देख पा रहे हैं कार्ड 98 लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक हेडशॉट टीम नंबर 13 के एक प्लेयर को यहाँ पे बहुत ही परफेक्टली नॉक डाउन कर दिया है आर्यन ने, और देखते हैं और भी नॉक लेने का कोशिश कर पाता है कि नहीं। उसी ने यहाँ पे टीम नंबर 11 को भी स्पॉट आउट कर लिया है, पीछे पर थोड़ा सा मारने की कोशिश यहाँ पे टीपी से, बट आई डोंट थिंक ये लोग इतना ज्यादा ओपन पे है कि टीम नंबर 11 को यहाँ पे नॉक कर पाए। फोर यूसी यहाँ पे टीम नंबर 13 के एक प्लेयर को M4 करा है, बट आर यानी यहाँ पे एक एम से बहुत ही सही कर दिया है, और यहाँ पे सिनिस्टर अपना गाड़ी लेते हुए आगे तरफ बढ़ रहा है, और भी 3 प्लेयर यहाँ पे रोटेट करते हुए जोन के अंदर जाने की कोशिश। टीम नंबर 11 भी यहाँ पे मारने का कोशिश करा है, बट आई डोंट थिंक ये लोग मार पाया है, तो रोटेट करते हुए टीम नंबर 13 को हम लोग सेफ जोन पे आते हुए देख पा रहे। सारे के सारे टीम यहाँ पे जोन के अंदर है, टॉप 9 टीम्स 25 अलाइव, एंड हमारा फिफ्थ जोन यहाँ पे आ चुका है टीम नंबर 5 एंड दारियो अभी तक जोन के अंदर है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे रेड आई को हम लोग फिनिश होते हुए देख पा रहे हैं दूर से, और यहाँ थॉर जो है अब थॉर PK18 अकेले सर्वाइव कर, नहीं चलो इसके पीछे टीम नंबर 13 है, 13 नंबर 15 से यहाँ पे अकेला थॉर सर्वाइव कर, इसको यहाँ पे फाइट कर रहा था टीम नंबर 15 ने, यहाँ पे बहुत ही टीम नंबर 5 ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मारते हुए थॉर को एलिमिनेट कर दिया है। अभी हमारे सामने टॉप 8 टीम्स हम लोग फिफ्थ जोन पे देख पा रहे, रियो तो फिलहाल अभी भी यहाँ पे होल्ड करके, टीम नंबर 11 भी यहाँ पे काफी बढ़िया जगह होल्ड करके, पर अब जाके इन लोगों को जोन के अंदर आना पड़ेगा। 4 UC के यहाँ पे 2 प्लेयर को हम लोग नॉकडाउन होते हुए देखे थे, लेकिन बहुत ही सही यहाँ पे रिवाइव हो चुका है। अब देखते हैं प्लेयर्स ऐसे कहाँ से जाते हैं, यहाँ पे रोज के प्लेयर को भी हम लोग नॉक होते हुए देख पा रहे हैं। रोज जैस आगे की तरफ बगी लेते हुए जा रहे हैं, एक जोन यहाँ पे क्लोज होना शुरू हो चुका है, हमारा 6th जोन यहाँ पे आने वाला है, और अब देखेंगे
और अब इसलिए एडम को नॉकडाउन कर दिया है रोज जैश ने, और यहाँ फोरी उसी के साइको को भी नॉकडाउन हो चुका है लेजर के हाथों। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सारे के सारे टीम अपना का रोटेशन करते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। टीम रोज के यहाँ पे काफी हालत खराब है, टीम नंबर 9 के प्लेयर यहाँ पे दोनों के अंदर है। बीच यहाँ पे आपने ले आ चुका है सामने सामने, और यहाँ अभी इसको टीम से नॉकडाउन कर दिया है जैस। अभी इनके प्लेयर्स यहाँ पे किंग जो है वो सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। ऊपर के साइड टीम नंबर 5 के 4 प्लेयर यहाँ पे होल्ड करके हैं, और हम देखेंगे जोन के अंदर जहाँ रियो जो है वो अभी भी जोन के अंदर है, और द रियो इज वेरी लकी इस मैच में टॉप 5 में यहाँ पे आ चुके हैं। टॉप 5 टीम्स को हम लोग देख रहे हैं, 4 यूसी द रियो का टीम, रोज डी सी डी जी एंड टीम नंबर 13 जो कि है टीम नंबर 13, और यहाँ पे हम लोग टीम नंबर 13 के और एक प्लेयर को और एक प्लेयर को एलिमिनेट होते हुए देखे। 4 यूसी के प्लेयर यहाँ पे बगी पे घुसते हुए रियो को फिनिश कर दिया है। बाकी 5 टीम नंबर 5 के एक प्लेयर नॉकडाउन यहाँ पे है, टीम नंबर 13 के एक प्लेयर नॉकडाउन है, एंड प्रेम नॉकडाउन कर दिया है रश ने, और यहाँ पे हम लोग देखे 2-2 नॉकडाउन यहाँ पे। सीट अकेले सर्वाइव कर रहा था, लेकिन पीछे से टीम नंबर 5 ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मारते हुए फिनिश कर दिया है डीजी को। अभी डीजी के एक प्लेयर यहाँ पे फिनिश हो चुका है, डीजी रोज एंड 4 यूसी के प्लेयर अभी सर्वाइव करेंगे। इतना अच्छा यहाँ पे 2 नॉकडाउन किया था प्रेम ने, लेकिन ये दोनों के दोनों रिवाइवल इनको मिल जाएगा। गाड़ी को आगे लेते हुए हम लोग एक छोटे से ब्रिज पे यहाँ पे बैठ जा गए हैं। देखते हैं रोज यहाँ पे बहुत ही देख रहे हैं, रोज यहाँ पे बच पाता है कि फिर से 2-2 नॉकडाउन यहाँ पे हो चुका है, और फिर से और एक बार रिवाइव देने का प्रोसेस जैसे यहाँ पे फिनिश हो चुका है। लेट्स सी, आई थिंक यहाँ पे सेट को रिवाइवल मिल जाएगा, एंड टीम नंबर 5 है टीम नंबर 14 काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। दोनों के दोनों टीम में यहाँ पे 3v4v2 का 1 सिचुएशन, और 4 यूसी में तो यहाँ पे 2-2-4-5-6 किल्स के साथ यहाँ चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, 4 मैन स्ट्रॉन्ग। हमारे टाइम पे स्ट्रीम नहीं हुआ आज, कोई भी स्ट्रीम नहीं हुआ है सुनील ना, 20 ना 29 ना 20 ना 30, बस 31 होगा, 32 होगा कि नहीं, कोई भी स्ट्रीमर अवेलेबल नहीं है, और मेरे सारे ब्लू ऑलरेडी बुक है, तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी 4 ग्रुप का, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग 1 ग्रुप। आई होप के सेमीफाइनल एंड फाइनल अच्छे से स्ट्रीम होगा, वैसे भी क्वालिफायर स्ट्रीम उतना जरूरी नहीं होता है तो, बट स्टिल चलो 4 यूसी एंड डीजी के टीम्स को हम लोग देखेंगे कैसे ये लोग 2v3v4 के सिचुएशन से चिकन डिनर लेके जाता है, और जोन जो बनाए तीनों के बीच में जोन बनाए, तीनों को एक जैसा यू नो रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे साइको ओपी को हम लोग एक छोटे से डिप में यहाँ पे लेटे हुए देख पा रहे हैं, और 4 यूसी के रोनित यहाँ पे टीम से जो प्याज है, और यहाँ पे काफी ओपन पे मारने की कोशिश कर रहा था। आई डोंट थिंक यहां पे सारे के सारे प्लेयर्स का फायदा हो रहा है, सीट यहां पे नॉकडाउन फिनिश होने को है, और एसआरवी भी यहां पे काफी बढ़िया खेलते हुए हम देख पा रहे हैं कि यहां पे नॉकडाउन इनके बारे में हो रहा है, तो यहां पे रोनित को यहां रिवाइवल मिलने की चांसेस तो है, बट जोन यहां पे क्लोज इन हो चुका है, और 57 सेकेंड्स हमारा जोन यहाँ पे पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। जोन के अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 यूसी सीड यहाँ पे चलो फिर फाइनली ब्लीड आउट होते हुए एलिमिनेट हो जाएगा। एसआरवी यहाँ पे जोन से 24 मीटर दूर है, टीम नंबर 5 के टी प्लेयर्स यहाँ पे 36 मीटर दूर है, एंड 4 यूसी के प्लेयर 3 मीटर दूर, तो फिर मतलब 4 यूसी के पास यहाँ पे जोन का फिर से और एक बार एडवांटेज यहाँ पे आ चुका है। चिकन डिनर जाएगा नहीं, ऐसे ही गोली चलाते हुए देखने की कोशिश कर, गोली लग जाए तो
तो क्या पता, आई थिंक इस आरवी को यहाँ पे चुपचाप, अभी चुपचाप यहाँ पे कैंप करनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो भी है, तो ये लोग अगर जल्दी फिनिश हो जाए तो इन लोगों को एटलीस्ट इस आरवी को फिनिश होने का चांसेस है। और आप लोग वही देख रहे हैं कि सामने के, आपने सामने के टीम यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आर्यन ने स्पॉट कर लिया, थर्ड पोजीशन सिंबू एंड क्रशर दो। और मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखाने की कोशिश करूंगी कौन यहाँ पे, आई नो और एक नॉक होते हुए देखा, लास्ट यहाँ पे सिंबू सरवाइव कर रहा है, और उसको यहाँ पे कैसे अब फिनिश करते हैं वो विनर विनर चिकन डिनर यहाँ पे ले लिया, वेरी गुड। एंड फोर यूसी को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तीन चार चार आठ नौ दस 11 किल्स के साथ फर्स्ट पोजीशन, डीजे के टीम है 4 5 6 7 किल के साथ सेकंड पोजीशन, एंड रोज के टीम है 5 6 7 किल के साथ थर्ड पोजीशन आया। बाकी सब टीम को मैं स्क्रोल इन करते हुए यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, एक मिनट रुक, एक मिनट या बस चल रहे हैं रेज, इट्स रेज। चलो तो यहाँ पे ग्रुप 31 का क्वालिफायर पहला मैच यहाँ पे खत्म होती है, हम सेकंड मैच पे आएंगे, तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
girls with their nails done now. Girls with their nails done now. I'm
So guys, I'm back with second match of group 31, I think. Yep, group 31 के second match में हम आ चुके हैं. तो आ चुके हैं हम लोग, देख पा रहे हैं सेम टीम्स है, तो मैं टीम का नाम नहीं बता रही हूँ. हमारे सामने सारे के सारे टीम्स आ चुके हैं, 15 टीम्स आई थिंक, 14 टीम्स. लेट्स सी. हमारे सामने हमारा प्लेन पाथ आ चुका है और प्लेन पाथ यहाँ पे बना है सीमेंट फैक्ट्री टू डायनो पार्क. बहुत ही बढ़िया प्लेन पाथ हम देखेंगे, बहुत ही साउथर्न प्लेन पाथ है. जोन कहाँ पे बनता है, रहती डोब्रो मेस्ट्रो के साइड बनता है कि नहीं. टीम नंबर 5 को हम लोग देख पा रहे हैं, टीम नंबर 4 के बहुत ज्यादा क्लोज यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं. तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, यू नो, क्योंकि ऑलरेडी जब भी गन फाइट होता है, जिनको पहले गन मिल जाते हैं उनको काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है. जैसे कि हम लोग देख पा रहे टीम नंबर 5 के एक प्लेयर को और यहाँ पे दूसरा प्लेयर भी नॉक डाउन. टीम नंबर 5 इस बार काफ़ी ज़्यादा नॉक होते हुए हम लोग डीजी का टीम को देख पा रहे हैं और बाकी के दो प्लेयर्स को आई थिंक फॉल बैक हमें लेने की कोशिशें चल रही है. सिंबू टीम नंबर 5 जहाँ आपका क्लास का टाइम बहुत ही बढ़िया खेला था, इस बार यहाँ पे दोनों के दोनों प्लेयर हो चुका है फिनिश. पूरा का पूरा ओपन में यहाँ पे है. आई थिंक सिंबू के पास थोड़ा बहुत एंगल हो सकता है, पर इनके पास कुछ भी नहीं है मारने का. हाथ में स्मोक लेते हुए यहाँ पे हम भागते हुए देख पा रहे हैं. टीम नंबर 4 के पास यहाँ पे अर्ली 4 किल्स हम लोग देख पा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा टीम्स हम लोग देख रहे हैं. जोन के एकदम बीच में है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कॉस्मोड्रॉम सीमेंट फैक्ट्री को, पेशकोवा को बीच में रखते हुए जोन यहाँ पे बना है और उसके साथ साथ ही यहाँ पूरा का पूरा जो यहाँ पे सिचुएशन है वो बहुत कंजेस्टेड हो चुका है. यहाँ पे हम लोग टीम नंबर 8 और 15 को यहाँ पे फाइट लेते हुए देख पा रहे. टीम नंबर 15 के एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक डाउन है और हम लोग यहाँ टीम नंबर 8 के भी एक प्लेयर को फिनिश देख पा रहे. टीम नंबर 15 के प्लेयर्स को बचाया जा सकता है कि नहीं, उनके टीम के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा. लेट्स सी कैसे यहाँ पे बचा पाता है. 3v2 का सिचुएशन है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टीम नंबर 15 यहाँ पे अपना गेम सही कर ले, बट इनके पास वेस्ट हेलमेट की कमी है. किसी के ना किसी के पास ना वेस्ट नहीं है या तो हेलमेट नहीं है, तो वो एक चीज हो सकता है. आई थिंक यहाँ बीस्ट मियाँ को मियाँ का चांसेस था यहाँ पे मारने का, पर मिस कर दिया है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नॉकडाउन डार्क नहीं यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया. आई थिंक यहाँ पे थॉर पीकेबी को रिवाइव मिल सकता है, बस जल्दी से यहाँ पे रिवाइवल और हम लोग देख पा रहे हैं लास्ट प्लेयर को मारते हैं. बहुत ही बढ़िया थॉर पीकेबी को रेस्क्यू कर लिया है अपने टीम ने 3 किल के साथ. एफएन का टीम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, बाकी जोन के दूर में हम लोग मोवोत्रा पे देख पा रहे हैं दारियो का टीम जो कि टॉप 5 में थे लास्ट टाइम थे. 4 यूसी जो कि चिकन डिनर लिया था एंड टीम नंबर 9, टीम नंबर 21, टीम नंबर 17 को हम लोग जोन के बाहर देख सकते हैं. बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे टीम जो है आस पास यहाँ पे हम देख रहे हैं.
हेलो जीवा, हाय। तो गाइस जो लोग भी अभी अभी भी नौ अनफिनिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जरूर सब्सक्राइब कर देना। मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वरना दिस इज माय इंस्टा हैंडल, जाइए फॉलो कीजिए। एंड बाकी यहाँ टीम नंबर 5 को हम लोग काफ़ी ज़्यादा दोनों प्लेयर को काफ़ी बिखरे हुए देख पा रहे हैं। दोनों के दोनों प्लेयर्स जो है अलग अलग जगह पे होल्ड करके हैं। हम लोग सीमेंट पर फैक्ट्री के पास एक प्लेयर को देख पा रहे हैं, दूसरा प्लेयर पेश को आगे पीछे पानी के साइड में यहाँ पे होल्ड करके। अभी तो पहला जोन भी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बीच में से दो टीम्स एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम नंबर 3 के पास है, टीम नंबर 3 प्लेयर्स एंड 3 मैन स्ट्रॉन्ग देयर एंड कैसे जोन के एकदम एज में इन लोगों को ज़्यादा रोटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चार टीम्स जो है काफ़ी ज़्यादा जोन के दूसरे साइड हम लोग देख पा रहे, तो उन लोगों को आई थिंक जल्दी अपना रोटेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सारे के सारे टीम्स ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट के साइड जाएंगे, तो क्लैश वहाँ पे हो सकता है। बाकी मैं बोलूँगी वेकेंडी में जोन रोटेशन बहुत ज़्यादा टफ है, एंड मिडिल पे जो लोग भी होल्ड कर लेते हैं सबसे पहले उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज रहती है हमेशा। चलो टीम 17 को हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग रोटेशन करना शुरू कर दिया है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अर्ली रोटेशन करना शुरू कर दिया है ना, आगे की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं फाइट कैसे लेते हैं ये लोग। आई थिंक टीम नंबर 17 कैसल के साइड से अपना रोटेशन कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इस टाइम पे तो सेफ है। बाकी F4 के प्लेयर्स को हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे फाइट हो चुका है शुरू, एंड शिम्बू जो इतना लूट लाट के आए थे टीम नंबर 4 के पास ही आ चुका है, एंड यहाँ पे किल मिल चुका है। इनके पीछे ही एग्जैक्ट रशर का टीम है, और आई डोंट थिंक रशर को अभी कोई भी हलचल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी भनक पड़ा तो इनको यू नो फिनिश अप हो सकता है। बाकी हम लोग सीमेंट फैक्ट्री में देख पा रहे हैं, जिनके पास साइड में यहाँ पे एक एयर ड्रॉप आ रहा है, पहला जोन का पहला एयर ड्रॉप, और वो है M249 लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट बैग एमो। तो मस्त लग रहा है ना देखने में, बहुत ही सही। चलो तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, दो टीम्स फिर से आमने सामने हो चुका है, और यहाँ स्टे के टीम आ चुके हैं यहाँ पे ठग के टीम के पास। टीम नंबर 3 के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा मैक्स जो है थोड़ा सा दूर है अपने टीम से, और हम लोग देख पा रहे हैं दौड़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे F4 ने फिर से एक फाइट ले चुका है टीम नंबर 13 से, और वहाँ का भी एक प्लेयर हो चुका है नॉकडाउन। F4 को हम लोग बहुत ही बढ़िया खेलते हुए देख पा रहे हैं। रशर यहाँ पे अभी तक कोई भी हलचल करते हुए नहीं दिखाया है। टीम नंबर 13 के यहाँ पे और एक प्लेयर फिनिश हो चुका है। टीम F4 को यहाँ पे 4 किल ऑलरेडी ले चुके थे यार, बहुत ही सही। यहाँ पे गेम जो लास्ट गेम पे काफ़ी बढ़िया गेम प्ले दिखाया था, यहाँ पे इस बार फिनिश हो चुका है। 4 किल का हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नॉकडाउन ले लिया है। आई थिंक अभी टाइम है पुश करने का, नासा के को यहाँ पे बचाना पड़ेगा। हम लोग सिंसर को देख पा रहे हैं, हम जा रहे हैं, और यहाँ थोड़ा सा डैमेज दिया है, बट आई डोंट थिंक ये बच पाएगा। दोनों का यहाँ पे कोशिश हो चुका है, एक प्लेयर को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, और एक नॉकडाउन दूसरे को यहाँ पे नॉकडाउन। क्या बढ़िया मार तू, यहाँ पे रिलोड आ चुका है, और यहाँ पे 1v4 ऑलमोस्ट हो चुका था,
पे अगर रिलोड नहीं करता उनके एमओ पे, अभी भी 4 गोलियां थी, अगर रिलोड नहीं करता तो यहाँ पे 1v4 करते हुए हम लोग देख लेते हैं। वेल प्लेड लास्ट, एक छोटी सी गलती, बस वही गलती था कि उसने रिलोड कर दिया, बट वेल प्लेड। चले, 4 का नसीब अच्छा है कि उसने रिलोड करा और यहाँ पे ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे। बाकी यहाँ पे अभी भी 12 टीम्स हम लोग साथ देख पा रहे हैं। ठक के टीम यहाँ पे क्लोज इन होते हुए हम लोग एक कवर पे देख पा रहे हैं, उनको पता चल गया है सामने एक टीम है, तो पूरा का पूरा चौक चुके हैं आराम से। आई थिंक ये लोग रोटेशन अपना करेगा। चलो यहाँ पे हमारा और एक ड्रॉप हम देख पा रहे हैं, ड्रॉप में है यहाँ MK14 लेवल 3 का वेस्ट, हेलमेट, बैग एंड एमओ। Is it FNX? Which one? Foxy? बढ़िया नजारा। चलो यहाँ पे हम लोग फाइनली देखा ठक के एक प्लेयर को नॉक डाउन कर दिया है और वो लोगों ने बचाने की पूरी कोशिश किया है। यहाँ पे स्मोक करते हुए हम देखेंगे कैसे बचा पता। टीम नंबर 18 यहाँ पे काफी ज्यादा आ चुका है। मैक्स जो है यहाँ पर डीनो के, मिस्टिक डीनो के काफी ज्यादा पास है यहाँ, तो यहाँ पे मैक्स एंड डीनो के बीच में एक 1v1 का फाइट हम देख सकते हैं। मैक्स यहाँ पे फिलहाल होल्ड करके, उनको पता नहीं है सामने एक ही प्लेयर था, आई थिंक उनका गाड़ी भी यहाँ पे लग चुका था। डिनो को यहाँ पे नॉक फिनिश करने की चांसेस तो यहाँ थी पर दे मिस्ड इट, एंड बाकी जो ठक के प्लेयर नॉक डाउन हुए थे उनको रिवाइवल मिल चुका है एंड आगे के तरफ जाने की पूरी कोशिश चल रही है। सेकेंड जोन यहाँ पे क्लोज होने वाला है। सेकेंड जोन हम लोग देख पा रहे हैं अभी भी 20% जोन पानी पे और 1:10 बाद हमारा सेकेंड जोन यहाँ पे क्लोज हो रहा है। बहुत ही बढ़िया हम लोग डिनो को यहाँ पे देखे, मैच के साथ यहाँ पे नॉक डाउन फिनिश कर दिया है मिस्टिक जिन्होंने, एंड अभी टीम नंबर 3 के 2 ही प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपन से आ रहे हैं। वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आप ओपन से आओ। सामने पे तीनों टीम है, मिस्टिक के तीनों प्लेयर यहाँ पे फुल हेल्थ में है और सामने ठक के 2 प्लेयर, 2v3 का सिचुएशन। लेट्स सी यहाँ पे कैसे ये लोग अपना रोटेशन करते हैं। 34 सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे फाइट लेते हुए फाइट लेते हुए आगे की तरफ जाना। आई थिंक डिनो काफ़ी ज़्यादा ओपन से था, काफ़ी ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे उनको बचना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नेट करने की कोशिश, यहाँ पे ऋषि के पास नेट आया है, वो ज़्यादा कुक्ड भी नहीं है और हम लोग देखे यहाँ पे नेट से बचते हुए यहाँ जैक को नॉक डाउन कर दिया है। आई थिंक यहाँ पे बच जाएगा और ऋषि यहाँ पे डीनो को आराम से रिवाइवल दे सकता है। बाकी हम लोग यहाँ पे रॉक को देख पा रहे हैं, रॉक यहाँ पे रिवाइवल देने आ चुका है। आई थिंक मिस्टिक के कोई एक प्लेयर को यहाँ पे स्कोप इन करके रखना चाहिए था ताकि ये लोग रिवाइवल ना दे पाए। चलो यहाँ पे सारे के सारे थोड़ा सा टूर्नामेंट में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा घबराए जाते हैं कोई भी प्लेयर अगर यहाँ पे नॉक हो जाए। बाकी यहाँ पे हम लोग मिस्टिक डीनो को ब्लीड आउट होते हुए देखे, वाह खुद को बढ़िया है। यहाँ पे हम लोग देखे मिस्टिकर ने यहाँ फिनिश कर दिया है, आराम से लूटते हुए जोन के अंदर जा सकता है। यहाँ पे 300-400 मीटर जोन दूर है लेकिन सेकेंड जोन है तो ज्यादा डैमेज उनको नहीं मिलेगा, बट ऑफ नहीं हो रहा है। चलो तो हमारे गेम का यहाँ पे 14 मिनट्स हो चुका है, 14 मिनट्स में हम लोग 11 टीम्स देख रहे हैं और यहाँ पे और एक बार आमने सामने टीम नंबर 20 एंड टीम नंबर 7। को
थोड़ा सा डैमेज मिल चुका था, लेकिन डीविल ने यहाँ पे काफी बढ़िया नॉक कर, एक नॉक निकाले, दो दो नॉक यहाँ पे डेविल ने दो नॉक निकाले टीम नंबर सेवन से। हम लोग लिटिल चैम को लेफ्ट साइड में एक अलग एंगल बनाते हुए देख पा रहे हैं, तो वहां से इन लोगों का एक अलग कवर बना बन सकता है और डेविल को यहाँ पे नॉक करने का चांसेस था। पर आई थिंक यहाँ पे चैम्प ने थोड़ा फ्लैंक तो किए, पर उनका भरपूर जो क्या कहते हैं भरपूर एडवांटेज जो लेना था वो नहीं ले पाया। यहाँ पे भी ऑफेंस से आ रहा है और हम लोग थोड़ा सा डैमेज देते ही वो पीछे की तरफ मुड़ चुका है। यहाँ पे लेते हुए मारने की कोशिश, पर इन पे उजी से यहाँ पे हमला हुआ है। प्रेम यहाँ पे क्लोज हो चुका है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या कर रहा है। नॉकडाउन करते हुए यहाँ पे दो दो नॉकडाउन ले लिया है और छोटे छोटे गलती की वजह से यहाँ पे मर रहा है। इनको स्मोक करते हुए रिवाइव देना था, ऑब्वियस बात है कि टीम नंबर सेवन जो है वो यहाँ पे घुस जाएगा। तो जब तक तुम स्मोक करो यहाँ पे काफ़ी गंदा डैमेज ले चुके हैं तीनों के तीनों प्लेयर को यहाँ पे फिनिश हो जाए। अकेला लिटिल चैम है, उनके पास काफ़ी बढ़िया एंगल था क्योंकि सामने वाले प्लेयर ओपन से आ रहा था ब्लैक के प्लेयर्स, बट चैम के टीम ने यहाँ पे बाखूबी नहीं निकाली। यहाँ पे कूदते हुए हम लोग देख पा रहे हैं ओपन से आ रहा है, उसी यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज दिया है तीनों के तीनों प्लेयर का साथ में आया। तो हम लोग देखते हैं कोशिश कर रहा है, बट यहाँ प्यारा सा ड्रॉप शॉट और यहाँ पे डेविल और मास दोनों के दोनों नॉकडाउन थे। बस थोड़ा सा ही अच्छा खेल सकता था, बट कोई नहीं। ब्लैक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खेलते हुए यहाँ पे यू नो आर की तरफ जाएंगे। मैं बोलूँगी कि चैम्प वालों ने बहुत ज़्यादा गलती किया, उसी का एडवांटेज लेते हुए ब्लैक ने यहाँ पे किल्स ले लिया है। उन लोगों को एक तो इतना नॉक नहीं हो जाना चाहिए था, नॉक हुआ भी तो भी स्मोक कर, अगर तुम चार पांच स्मोक के साथ यू नो वहाँ पे रिवाइवल देते तो शायद इतना जल्दी वो एकदम फटाक से आके जो मार दिया वो टाइम उनको थोड़ा सा होल्ड करता, वो भी डर था। तो इसलिए रिवाइवल के टाइम में कहीं भी हो स्मोक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी तुम्हारे ऊपर चांसेस है, अगर तुम्हारा दो दो प्लेयर नॉकडाउन है या तुम्हारे ऊपर पुश होने का चांस रहता है, उस टाइम जितना ज़्यादा स्मोक करोगे उतना बचने का चांसेस हो जाता है। बाकी यहाँ पे टॉप 10 टीम्स को देख पा रहे, रशर जो है यहाँ पे अभी टॉप 10 पे यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया खुद के टीम को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। टीम नंबर 4 ऊपर के साइड आ चुके हैं जोन के थोड़े से ऊपर, उनके नीचे टीम नंबर 14 एंड टीम नंबर 5 यहाँ पे है। चलो यहाँ पे साइको को हम लोग देख पा रहे हैं नॉकडाउन हो चुका है टीम नंबर 4 से, और A4 इस बार काफी बढ़िया खेल रहा है, 6 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं और आगे के किल्स भी आई थिंक यहाँ पे लेगा। मैं A4 को पहले भी बहुत टूर्नामेंट एंड कास्टिंग कस्टम्स में देखी हूँ, तो आई नो दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। सो लेट्स सी A4 कैसे आगे वाला फाइट्स है, जितने भी आगे फाइट्स आएंगे उन लोगों को कैसे टैकल करते हैं। बाकी फाइनली जोन यहाँ पे क्लोज होते हैं, पेश को वन सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर वाला पोर्शन पे आया है और अब जाके यहाँ जो टीम नंबर 5 के प्लेयर्स पानी के जगह पे कर रहे थे कैंप, उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आगे की तरफ उनको आना पड़ेगा बहुत ही जल्दी। A4 UC के टीम यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज इन कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं इनके ऊपर यहाँ पे काफी गोलियां तो चल रही है टीम नंबर 4 से, पर इन लोगों के ज्यादा क्लोज नहीं है। यहाँ पे पीछे से हम लोग टीम नंबर 5 को भी जोन के अंदर आते हुए देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे फोर्थ जोन का फोर्थ एयर ड्रॉप यहाँ पे हम लोग DBS देख पा रहे हैं और यहाँ पे मिस्टिक ने फाइनली ढेर सारा किल्स करते हुए हम लोग देखे हैं नॉकडाउन यहाँ पे किल फिनिश। सो टोटल 7 किल्स ले लिया है मिस्टिक वाले ने, 7 किल्स यू गाइस कैन इमेजिन। 3 प्लेयर थे ऑलरेडी, एक फिनिश हो चुका है, लेकिन 2 मैन ये लोग बहुत ही बढ़िया डुओ खेल रहे हैं। सामने के टीम नंबर 15 को यहाँ पे आई थिंक डैमेज देने की कोशिश किया था, पर फिलहाल तो कोई नॉक फिनिश नहीं हुआ है।
तो हमारे सामने टॉप 10 टीम्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, और मैं ये सोलो प्लेयर को देखना चाहती हूँ कैसे आगे तरफ जाता है, क्योंकि वो लोग जहाँ से जा रहा है उनके सामने ऑलरेडी टीम नंबर 14 है। तो आई थिंक यहाँ रशर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ हमारा फिफ्थ जोन, फोर्थ जोन भी यहाँ पे क्लोज होना शुरू हो चुका है। फिफ्थ जोन आने के लिए कुछ ही सेकंड्स बाकी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे टीम जो है यहाँ पे रोटेशन करता है। आई थिंक जोन जो है मिडिल पे ही ज़्यादातर शिफ्ट होता है, वीकेंडी वाला जो ज़्यादा ट्विस्टेड जोन नहीं बढ़ता, बट फिर भी चलो जोन यहाँ पे आ चुका है। पेशकोवा को बीच में रखते हुए, एग्जैक्ट पेशकोवा को बीच में रखते हुए यहाँ पे जोन पे आ चुके हैं, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही सही जोन बना है पेशकोवा के। जो भी यू नो जो शैक वगैरह है, जिसमें जितना घर है बहुत छोटा छोटा, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया कवर मिल जाएगा जो भी टीम यू नो पेशकोवा पे जा चला जाएगा। बाकी सारी टीम्स को तो हम लोग जोन के अंदर देख ही रहे हैं। एंड टीम नंबर 17 टीम वन ने 17, 18, 9, 20 यहाँ पे जोन के बाहर है, उन लोगों को काफ़ी जल्दी जोन से रोटेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे F4 के टीम फिर से यहाँ पे फाइट ले लिया है, और 10th पोजीशन पे हम लोग जो रशर थे उनको फिनिश ऑफ होते हुए देखे। टीम नंबर 5 यहाँ पे DG का टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, और वो किल भी F4 को ही मिला है। मतलब F4 से बचते हुए अब तक ये लोग जा रहे थे, और उसी के हाथों में मरना मतलब खराब लगता है वो। बाकी 9 टीम्स 9 टीम ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेयर्स के पास यहाँ पे जो प्लेयर्स है, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। 9 टीम्स 28 प्लेयर्स जोन का यहाँ पे गेम का 23 मिनट्स हो चुका है। 5वां जोन हमारा क्लोज हो रहा है, 6th जोन आने वाला है। तो बहुत ये मैटर करता है कि कैसे सारे के सारे टीम जोन के अंदर आ रहे हैं और कैसे रोटेट कर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। टीम नंबर 7 का यहाँ पे 17 का हम लोग अकेले प्लेयर को देख पा रहे हैं, और आई थिंक कि ये फिनिश हो जाएगा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे चुका है। और इस बार प्ले जोन से ही टीम नंबर 17 एलिमिनेट हो चुका है। आई थिंक हील करते हुए आराम से जाते तो भी कुछ होता। चलो यहाँ पे टॉप 8 टीम्स को हम देख पा रहे हैं, जोन शिफ्ट होते हुए पेशकोवा के नीचे रोड के बीच में बीचों बीच यहाँ पे जोन बना है टीम नंबर 10 के लिए, तो काफ़ी बढ़िया जोन होगा। 4UC भी टॉप 8 में आ चुके हैं, एंड बाकी सारे टीम को हम लोग रोटेट करते हुए देखेंगे। मिस्टिक यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, वो तो यहाँ पे नॉक फिनिश हो चुका है, ये डर रहा है कि बच नहीं पाया, बट ब्रो किल फीड भी देख लिया करो, मर चुका है पीछे वाला। चलो यहाँ पे 4UC के साथ हम लोग टीम नंबर 10 को यहाँ पे फाइट करते हुए देख पा रहे हैं। दो नॉक या एक नॉक ऑलरेडी आर्यन को नॉकडाउन कर दिया गया है, और हम लोग देख पा रहे हैं टीम नंबर 10 से भी यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे नॉक डाउन है, उनको भी यहाँ पे रिवाइवल देना पड़ेगा, सामने के प्लेयर्स को मारना पड़ेगा। और नीट से हम लोग देखे साइको ने उनको पूरा का पूरा फिनिश करने की, यहाँ पे रिवाइवल को बहुत ही बढ़िया मारते हैं हम लोग। 4UC यहाँ पे डोमिनेट बहुत सही कर रहा है, यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे रिवाइव देना सही होगा। आ रहे हैं प्लेयर, एंड रियो अकेले बच रहा था, रियो को मारते हैं इस बार। लास्ट टाइम कैम्प करते हुए टॉप 5 आ गए थे, लेकिन इस बार 8th पोजीशन पे ही एलिमिनेट होना पड़ा रियो के टीम को। बाकी जोन के एज में टीम नंबर 9 आ चुका है, मिस्टिक के अकेला ऋषि यहाँ पे सरवाइव कर रहा है, 7 पॉइंट से ऑलरेडी लीड है, एंड 7th पोजीशन भी अगर अभी मर भी जाए
तो भी सेवेंथ पोजीशन ये लोग ले लेंगे। तो आई थिंक अच्छा खासा यहाँ पे ऋषि ने आई थिंक बाई चांस गोली चला दी है, जिससे इनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है सामने। डीएफएस के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, चारों साथ में भी पुश कर दे तो भी आई थिंक ऋषि के लिए 1v4 करना उतना आसान नहीं होगा। पीछे टीम नंबर 15 के भी आ चुके हैं और टीम एफएन ने यहाँ पे FNX को हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे रोटेशन देते हुए यहाँ पे और एक टीम को एलिमिनेट कर दिया है। और टीम सिक्स टीम्स हमारे सामने हैं, टीम नंबर 20 क्लोज इन धीरे धीरे कर रहा है। वीरा का टीम हम लोग देख पा रहे हैं अकेले आ चुका है जोन के एज में, बाकी ब्लैक के यहाँ पे ब्लैक जेबिलन ब्लैक मास्क को भी आना पड़ेगा। उनके पीछे 4 UCN F4 के टीम वहीं पे होल्ड कर रहे हैं। एज में बहुत सारे टीम्स एकदम जून के एज एज में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। एफएनएक्स के प्लेयर्स हैं, दो नॉकडाउन अकेला डार्क यहाँ पे सरवाइव कर रहा है, तीनों के तीनों नॉकडाउन हो चुके थे, लास्ट प्लेयर था। और यहाँ पे हम लोग देखें बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया है डीएफएस के पास। यहाँ पे 3 किल हो चुका है अपने प्लेयर्स से एंड हम लोग ग्रीन सोफी को देखेंगे जून के अंदर यहाँ पे कैसे रिवाइवल देते हैं। बाकी ब्लैक डेविल भी यहाँ पे नॉक है, वीरा जो है पहले ही इनो आ गया था जोन पे, वही सरवाइव कर रहा है। हमारा छठा जोन आ चुका है, 1 मिनट 13 सेकेंड में हमारा 6th जोन भी क्लोज होना शुरू हो जाएगा एंड 7th जोन आ जाएगी। तो बस 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट के अंदर सारे प्लेस को हील करते हुए रिवाइव करते हुए जोन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जोन के अंदर बस 4 UC का टीम है, बाकी सारे टीम्स को अपना मेहनत करते हुए गाड़ी वाड़ी लगाते हुए जोन के अंदर आना है। हम लोग टीम में 21 को ऑलरेडी देख पा रहे हैं, जोन के अंदर आना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मारने के बाद डेविल को यहाँ पे फिनिश कर दिया है F4 के प्लेयर ने। वीरा काफी ज्यादा दूर है, हम लोग आगे की तरफ क्लियर स्पॉट मेरी कोशिश पर वीरा को यहाँ पे कर लिया है स्पॉट एंड 31 सेकेंड में आई थिंक वीरा यहाँ पे जोन से ही एलिमिनेट हो जाएगा। आई थिंक इसको आराम से जोन के अंदर जाना था, फाइट लेने की जरूरत नहीं थी, पर यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया टीम B20 ने। बाकी देखते हैं यहाँ पे वीरा को फिनिश कर दिया है DFS के पास, उनका किल यहाँ पे मिल चुका है। नाफ यहाँ पे F4 के एक प्लेयर नॉकडाउन है एंड हम लोग टॉप 4 टीम्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, टीम F4, टीम स्ले, टीम 4 UC एंड DFS। यहाँ पे 4 के पास अभी भी जोन है, थोड़ा बहुत ये लोग डैमेज खा रहे हैं बट आई डोंट थिंक कि कोई भी टीम इनको टक्कर दे पाएगा। जोन का आशीर्वाद जिसके पास होता है उसके ऊपर से इतना अच्छा जोन के कंपाउंड इनके पास है तो और क्या चाहिए। बाकी यहाँ पे DFS को हम लोग देख पा रहे आ चुका है जोन के अंदर, अरे यहाँ पे नेड मॉली करने की कोशिश बट वो मॉली किसी के यू नो डैमेज नहीं दिया है। पीछे के साइड टीम नंबर 9 को भी हम लोग सेम जोन टॉप 3 पे आ चुके हैं और हम लोग देख पाए 4 UC टॉप 4 पे एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम नंबर 9 भी यहाँ पे फिनिश हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे हिल बैटल करते हुए ये जा पाता है कि नहीं, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे हिल बैटल होगा। लास्ट एक फर्स्ट एड है, हिल बैटल ना भी करे तो भी इनका मौत है। DFS के चारों प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड करके हुए और आई थिंक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। चलो एक नॉक कर दिया है बट दूसरा नॉक करने का मौका इनको नहीं दिया है DFS वालों। DFS के पास 10 किल ऑलरेडी हो चुका है 10 किल्स के साथ यहाँ पे जून के अंदर, और ये वाला घर कते ही जहर बन चुका है, लगातार जोन इधर ही बन रहा है। और F4 के पास दो प्लेयर है सामने, 2v4 प्लेयर 2v4 का टीम है। हम लोग DFS को 4-man स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखते कैसे आते हैं। और हम लोग देखें यहाँ पे मिथ YT नॉकडाउन हो चुका है और अभी इसके ऊपर पूरा का पूरा आई थिंक जितना फुल स्टेप ना जितना ही सही यहाँ पे चल रही है।
बट यहाँ पे स्पॉट कर लिया था डीएफएस वाले ने और हमारा विनर विनर चिकन डिनर हो चुका है डीएफएस। ऑसम गेम प्ले, ऑसम गेम प्ले, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खेला है, बहुत ही बढ़िया। जो उसने उन लोगों ने 4 UC के ऊपर पुश करा वो देखने लायक था। अगर वहाँ पे पुश नहीं करता तब प्रॉब्लम होता, तो 4 UC वहाँ पे स्टे थे लेकिन वो लोग उतना डिफेंड नहीं कर पाया। एंड डीएफएस बहुत ही उम्दा खेलते हुए यहाँ पे 4, 10, 11, 12 किल्स के साथ चिकन डिनर एंड F4 के पास हम लोग। F4 भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट। पहले से बस फोकस F4 पे ही था, बस उन लोगों पे जोन नहीं था, तो ऑब्वियस बात है वहां पे जीतना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल था। मतलब कुछ कर नहीं सकते, पर F4 वेल प्लेड। 4, 5, 6, 7, 8, 9 टीम्स 9 किल्स के साथ यहाँ पे सेकंड पोजीशन आया है। एंड हम लोग यहाँ पे स्लेई के टीम को 4 किल के साथ सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन पे देख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली 4 UC वेल प्लेड विथ 4 किल्स। मैं बोलूंगी फर्स्ट सेकंड ये दोनों टीम डिजर्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। बहुत ही बढ़िया खेला है सारे के सारे टीम में से। मैं पर्सनल नो डाउट बहुत ही बढ़िया खेला है और दोनों के दोनों टीम्स यहाँ पे बहुत ही सही परफॉर्मेंस दिखाया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, आई होप सो। तो यही पे होता है ग्रुप 31 का मैच। मैं मिलूंगी फिर कभी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, एडवांस बेस्ट ऑफ लक यू नो, अगर जो लोग भी क्वालिफाई करोगे नेक्स्ट राउंड पे मिलते हैं। टाटा बाय बाय। हेलो बीच मिया, वेलकम। तो हम जाते हैं, बाय बाय।